नमस्कार। संरक्षित इमारत भोजशाला में गुरुवार को पश्चिमी हिस्से में टीम ने दिन भर काम किया। यहां पर दीवार, सीढ़ियों और स्तंभ की क्लीनिंग में टीम जुटी रही। इधर मजदूरों की दिक्कत के चलते काम प्रभावित होने के बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खनन व सफाई में मशीनों की मदद लेना शुरू कर दिया है। त्यौहार के कारण धीमी होती जांच में विशेषज्ञ दलों ने एडवांस मशीनों का भी सर्वे में इस्तेमाल किया है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वे 22वें दिन जारी रहा। वही शुक्रवार होने के चलते दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला में नमाज होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुस्लिम समाज को यहां पर नमाज करने की अनुमति दी है। नमाज के बाद फिर एएसआई टीम सर्वे शुरू करेगी। एएसआई की टीम ने गुरुवार को अवशेषों और मिट्टी हटाने पर निकले चिन्हों और मूर्तियों की सफाई की। इधर भोजशाला से लगे जिस स्थान पर गौमुख की आकृति पाई गई थी उसकी भी सफाई की गई। भोजशाला में फिलहाल 18 पुरातत्व विशेषज्ञ दल के अलावा 20 मजदूरों की टीम कार्य में जुटी हुई है। पिछले 4 दिनों से कमाल मौलाना दरगाह परिसर में स्थित अकल कुइया का सर्वे भी जारी है और लगभग अलग अलग विधाओं के अलग अलग 5 अधिकारी अकल कुइया में उतरे हुए थे। बता देते हैं कि भोजशाला के उत्तरी और पिछले हिस्से में सर्वे का काम भी लगातार जारी है। हिंदू पक्ष के आशीष गोयल ने यह कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से सर्वे का काम बिना अवकाश के लगातार 21 दिनों से जारी है और इस दौरान न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी बिंदुओं पर भोजशाला के अंदर और बाहर 50 मीटर के क्षेत्र में एएसआई ने अपनी तकनीक से उत्खनन, ड्राफ्टिंग, मैपिंग, मेजरमेंट, कार्बन डेटिंग, ब्रशिंग से लेकर सारी विधाओं से सर्वे का काम किया है। सर्वे के दौरान निश्चित रूप से अनेक प्रकार के अवशेष और प्रमाण भी पाए गए हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि यह एक शाश्वत सत्य है और यह निश्चित ही कानून और संविधान के दायरे में प्रतिपादित होगा कि यह मां सरस्वती का मंदिर भोजशाला ही है। जैसे जैसे सर्वेक्षण आगे बढ़ते जा रहा है वहीं पर विश्वास भी आगे बढ़ता जा रहा है। अंदर मिल रहे अवशेषों से भी वहां पर सकारात्मक ऊर्जा पाने लगे हैं लोग। बता देते हैं कि साथ ही ये भी कहा गया है कि भोजशाला में मां सरस्वती का अभिषेक होता था और उसका जल बाहर की और गौमुख के द्वारा ही सरस्वती कूप या फिर अकल कुइयां में जाता था। धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है जिसमें कोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिया है। वही धार स्थित भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर भी है जहां पर वसंत पंचमी समेत त्योहारों पर देवी की विशेष आराधना होती है। वही भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था जिस पर हाई कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया गया है।